वो शाम का समय था, तभी वहाँ पर पानी पूरी का ठेले वाला आया। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, खट्टा मीठा पानी पूरी, यूं वो चिल्लाते हुए आ रहा था। दूसरी ओर से एक दूसरा आदमी अपना ठेला लिए आ रहा था। पिज्जा ले लो, पिज्जा, चीजी चीजी पिज्जा, यूं चिल्लाते हुए आया। फिर दोनों का आमना सामना हुआ। वैसे तो दोनों भाई थे, पर उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं जमती थी। तुम जानबूझकर ही अपना ठेला मेरे ठेले के सामने ले आए, है ना? मुझे क्या जरूरत तुम्हारे आड़े आने की, तुमने मेरा रास्ता काटा। यूं दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। फिर एक दूसरे का कॉलर पकड़कर दोनों हाथापाई पर उतर आए, और इस लड़ाई के चक्कर में दोनों ने अपने ठेले पर से सारा आहार गिरा दिया। अपने ठेलों को वहीं पर छोड़कर दोनों अपने अपने घर वापस लौटे। एक गरीब लड़की शोभा धीरे धीरे उस जगह गई और नीचे गिरा हुआ आहार चुनकर खाने लगी। उसी सड़क से गुजर रही एक लड़की ने उसे देखा और बोली, अरे बेटा, ये क्या जमीन पर गिरी चीजें क्यों खा रही हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? बिना कुछ कहे शोभा खा रही थी। अरे, ये लड़की जवाब क्यों नहीं देती? उस लड़की ने फिर से सवाल किया, पर शोभा ने कोई जवाब नहीं दिया। और थोड़ा खाने के बाद शोभा ने उससे कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, क्या आपने मुझसे कुछ पूछा? क्या आप थोड़ा जोर से बोलेंगी? अरे बेटा, क्या तुम्हारा कोई नहीं है? जी नहीं, मेरा कोई नहीं है, यूं ही रास्ते पे पड़ा खाकर जी लेती हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाबू जी कौन है, मैं तो बस सड़क पर ही पली बड़ी हूँ। ये कहती हुई शोभा हल्के से मुस्काई। शोभा की मासूमियत देख उस लड़की को बहुत बुरा लगा। अपने पास रहे थोड़े से पैसे उसने शोभा को दिए। बेटा, कहाँ रहती हो तुम? शोभा ने जवाब दिया, मैं तो यही सड़क पर घूमती रहती हूँ, यहीं पर जो मिले खा लेती हूँ। उस लड़की को बहुत बुरा लगा। ये कुछ पैसे रख लो और इससे कुछ खा लेना। ऐसे अगले कुछ दिनों तक वहाँ से गुजरती हुई वो हर रोज शोभा से बात करती थी। पर उस लड़की ने गौर किया कि पिछले कुछ दिनों से ठेले वहीं पर पड़े हुए हैं। उसने शोभा से पूछा तो शोभा ने सारी बात उसे बताई। तो इसका मतलब वे दोनों वापस नहीं लौटेंगे। मैं पिछले कई दिनों से नौकरी की तलाश करते करते थक चुकी हूँ। ना मैं अपने घर का रेंट भर पा रही हूँ और ना ही अपने घर वापस जा पा रही हूँ। क्या हम दोनों मिलकर कोई काम शुरू करें? कैसा काम दीदी? मैं नौकरी करते करते इन दोनों ठेलों को फिर से चलाना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ मटेरियल खरीद कर लाएंगे। आजकल तो औरत मर्द छोटे बड़े हर कोई पानी पूरी के दीवाने हैं, इसीलिए हम पानी पूरी का व्यापार शुरू करेंगे। और तुम भी मेरा इस काम में साथ देना, तुम्हें भी तो मेरा साथ मिल जाएगा। शोभा ने खुशी खुशी हाँ कह दी। फिर जैसे उन्होंने सोचा, अगले दो ही दिनों में उन्होंने पानी पूरी का ठेला लगा लिया। और जैसे सोचा उनका व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगा। इस व्यापार में उनका बहुत मुनाफा होने लगा। फिर पानी पूरी के ठेले के साथ साथ उन्होंने पिज्जा का ठेला भी शुरू कर दिया। दोनों खूब मेहनत कर अपने दोनों ठेले खूब अच्छे से चला रहे थे और खूब सारे पैसे कमा रहे थे। और इसके साथ ही साथ उस लड़की ने अपनी नौकरी की तलाश भी जारी रखी थी। फिर कुछ दिनों बाद उस लड़की को एक अच्छी नौकरी मिल भी गई। बेटा, अब तुम्हें सड़क पर रहने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब हम एक अच्छा सा घर लेकर साथ में ही वहाँ रहेंगे। तुम और कुछ दिनों तक व्यापार कर लेना, फिर मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला दिला दूंगी, ठीक है ना? हाँ दीदी। फिर उन दोनों ने एक अच्छा सा घर ढूंढा और उसी में रहने लगी। शोभा ठेले संभालती थी। फिर इसी तरह कुछ महीने बीते। उन दोनों ने मिलकर अपनी हुई कमाई से एक छोटा सा होटल शुरू किया और किराए पर दे दिया। उस होटल से अच्छी खासी कमाई हो रही थी, जिससे उस लड़की ने शोभा का स्कूल में दाखिला करा दिया। शोभा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसकी मुंह बोली दीदी हर रोज अपनी नौकरी पर जाकर आया करती। स्कूल से लौटने के बाद शोभा हर रोज अपने ठेले पर काम करती। उसकी दीदी के बार बार मना करने पर भी शोभा मानती नहीं थी।
नहीं दीदी, समय रहते हमें पैसे कमा कर रख लेने चाहिए, और जब सही समय नहीं होता तब पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। मैंने होमवर्क भी खत्म कर लिया, और फिर खाली समय को व्यर्थ किए बिना अगर मैं 4 पैसे ही कमा लूं तो इसमें क्या बुराई है। शोभा ने जो बड़ी बात कही थी उसे सुन वो लड़की बहुत खुश हो गई। इसलिए वो भी अपने खाली समय में शोभा के साथ ठेले पर काम करने लगी। दुर्गापुर नाम के एक गांव में एक छोटी सी पाठशाला थी। उस गांव के रहने वाले विद्या, रमा और जगदीश उसी पाठशाला में पढ़ने जाते थे। उनकी टीचर गायत्री उन्हें हर पाठ बहुत ही अच्छे से समझाती थी। एक दिन स्कूल में जब टीचर पाठ पढ़ा रही थी तब एक औरत अपने बेटे को साथ लिए पाठशाला में आई। उसका नाम ललिता था। टीचर जी, 1 मिनट के लिए बाहर आएंगी, मुझे आपसे बात करनी है। जी हाँ, कहिए, कौन है आप, क्या काम है? टीचर जी, मेरा नाम ललिता है, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। ये मेरा बेटा राम। मेरी बस इतनी इच्छा है कि ये खूब पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, पर मेरे पति व्यसनी है। अगर बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो फीस देनी पड़ेगी, ये सोचकर वो इसे भी मेरे साथ मजदूरी करने भेजते हैं। हम मेहनत से जो कमा कर ले आते वो उसे पीने में ही उड़ा देते, पर हाल ही में हुए एक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सच कहूँ तो उनके जाने से मैं दुखी नहीं हूँ, मेरी सारी चिंता मेरे बेटे के भविष्य को लेकर है। इस उम्र में मेरे बेटे को जहाँ 4th कक्षा में होना चाहिए था, ये 1 अक्षर भी पढ़ना नहीं जानता। किसी भी स्कूल वाले इसे एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझ पर दया कर इसे अपने स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना। सच कहूँ तो आपकी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई। भगवान करे कि इतनी छोटी उम्र में ऐसा दुख किसी की जिंदगी में ना आए। वैसे भी सच कहूँ तो उम्र का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। अगर पढ़ने की इच्छा और मन में लगन हो तो इंसान कभी भी पढ़ना शुरू कर सकता है। आप जानती हैं, अमेरिका में एक लड़का जिसे ऑटिज्म की बीमारी थी, वो 11 साल तक कुछ बात भी नहीं कर पाता था। 12 साल की उम्र में उसने स्कूल ज्वाइन किया और अपने आयु के 35वें साल में वो वहाँ के एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया। तभी तो, पढ़ाई का उम्र से कोई लेना देना नहीं। क्या कहते हो रामू, मन लगाकर पढ़ाई करोगे ना, अपनी माँ का सपना पूरा करोगे ना? हाँ टीचर, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और माँ का ख्याल रखूँगा। आपका बहुत धन्यवाद है टीचर जी, अब मैं चलती हूँ। जी ठीक है। फिर टीचर गायत्री ने राम को अपनी कक्षा में ले जाकर सभी से परिचय करवाया। बच्चों, इसका नाम राम है, आज से हर रोज ये तुम्हारे साथ ही पढ़ने आया करेगा। तुम सभी को राम के साथ अच्छे से रहना होगा। टीचर, ये राम और उसकी माँ अच्छे लोग नहीं है। इनके पिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे तो ये उन्हें अस्पताल भी नहीं ले गए। उस लड़के की बात सुन राम की आंखों से अनजाने ही आंसू निकल पड़े। जगदीश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम अभी छोटे हो ना, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आइंदा किसी के भी बारे में ऐसी बात की तो तुम्हें इसकी खूब सजा मिलेगी, दिन भर तुम्हें धूप में खड़ा कर दूंगी। टीचर के डांटने पर जगदीश चुपचाप बैठ गया। राम, जाओ जाकर तुम बच्चों के साथ बैठो। बच्चों, राम पहली बार ही स्कूल आया है तो आज वो सबसे पहले वर्णमाला और ABCD सीखेगा। ये सारी चीजें तुम पहले से ही जानते हो, इस बात का घमंड मत करना, बल्कि राम को ये सब सीखने में मदद करना ताकि वो जल्दी से ये सब सीख कर तुम्हारे साथ पढ़ सके। ठीक है टीचर, हम रामू की पढ़ने में मदद करेंगे। उस दिन से रमा और विद्या राम की पढ़ने में मदद करने लगे, पर जगदीश को राम से बहुत नफरत हो रही थी। राम की ही वजह से टीचर से उसे डांट मिली, ये सोचकर वो उसे मन ही मन कोसा करता। और उस पर रमा और विद्या, जो उस दिन तक जगदीश की अच्छी दोस्त थी, राम की पढ़ाई में मदद करने लगी थी। इस बात से जगदीश की नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। राम इन बातों से अनजान था, इसीलिए वो जगदीश से बात करने की कोशिश करता था, पर जगदीश राम से बिल्कुल बात नहीं करता था। जगदीश, आज विद्या और रमा स्कूल नहीं आए और मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तेरी मदद भला क्यों करूँगा, वैसे भी पढ़ लिख कर तू क्या करेगा, जाकर अपनी खेती में मिट्टी में खेल ले। तुम जैसे लड़के के साथ पढ़ाई करना कितना अपमानजनक है, चल दूर हट मुझसे।
तभी गायत्री टीचर ने उसे ऐसे कहते हुए सुन लिया। गलत बात करने पर गायत्री टीचर ने जगदीश को मारा और कहा कि राम उसे माफी मांगे। टीचर के सामने तो जगदीश ने राम से माफी मांग ली, पर वो मन ही मन सोच रहा था कि वो जरूर राम को कोई नुकसान पहुंचा के रहेगा, क्योंकि राम की वजह से ही टीचर ने आज उस पर हाथ उठाया था। इस बात से वो बहुत गुस्सा था। उस दिन शाम में स्कूल की छुट्टी के बाद वे दोनों एक ही रास्ते से गुजर रहे थे। जगदीश ने सोचा कि रास्ते में लगने वाली नदी में वो राम को धक्का देकर गिरा देगा। नदी के किनारे पहुंचकर नीचे गिरने का नाटक करने लगा जगदीश। लग गई रे, पैर में लग गई, मैं उठ नहीं पा रहा, मुझसे जला नहीं जाएगा। उसकी चीखें सुनकर राम तुरंत जगदीश की मदद करने के लिए पहुंचा, पर जैसे ही वो पास आया जगदीश उठकर खड़ा हो गया और राम को नदी में धकेलने के लिए जैसे ही उसने जोर लगाया गलती से वो खुद ही पानी में गिर गया। चूंकि नदी बहुत गहरी थी जगदीश उसमें डूबा जा रहा था। तब राम ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और तुरंत नदी में कूदकर जगदीश की जान बचाने चला गया। राम, मैं तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, पर तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की और मेरी जान बचाने आ गए। मुझे माफ कर दो राम, आइंदा मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ पर जगदीश, तुम ये बात किसी को पता मत चलने देना, हम दोनों भी इस बात को यहीं भूल जाते हैं। आज के बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। हाँ ठीक है राम। उस दिन से राम और जगदीश बहुत अच्छे दोस्त बने। साथ में मिलजुल कर वो खूब मन लगा कर पढ़ते थे।